Assalamu alaikum, this is Sania Khadir from 101 Incredible Women Seas of Pakistan. Today we have Ms. Amna Usman with us and she is the director of Hyundai Airport Motors and today we are going to learn about her journey. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, kya haal hai aapka? Main theek, aap kaise hain? Alhamdulillah, bilkul theek. Ms. Amna, bataein ki aapki education kya hai aur phir aapki ye journey start kahan se hui? मैंने 2012 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री कंप्लीट की थी. उसके बाद आई गॉट मैरिड और 2013 में जब मैंने अपने आर्टिकल स्टार्ट करने थे सीए के, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट फैशन डिजाइनिंग, बिकॉज मुझे शौक था अच्छे कपड़े पहनने का. तो उन्होंने कहा कि तुम इसको मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम इसमें करो आगे. उन्होंने इनक्रेज किया. फिर मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया शिबोरी के नाम से. अच्छा. और शिबोरी क्लोदिंग ब्रांड नेम. और उसके बाद मैंने, तो ये आपने पाकिस्तान में किया कि टोरंटो में किया? अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में ही किया था 2013 में. ओके. तो तहजीब था लाजवंती का, एमएम आलम रोड पे, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. फैशन सेंट्रल वालों के साथ भी स्टार्ट किया. फिर मैंने शोज़ किए लंदन में भी, बर्मिंघम में और अमेरिका में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, दुबई में काफ़ी मैंने शोज़ किए. 2016-17 तक मैंने काफ़ी शोज़ किए. उसके बाद हमें कुछ काम के लिए जाना पड़ा था कनाडा, टोरंटो. तो फिर मैं टोरंटो मूव हुई. जब मैं टोरंटो मूव हुई तो फिर मुझे था मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग या बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्टडीज़ करूँ ना, मास्टर्स भी कर लूँ. ओके. Okay. तो मुझे मास्टर्स मार्केटिंग में करने का शौक था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अब फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हो तो तुम फैशन डिज़ाइनिंग में ही जाओ ना, कुछ इसमें ही एक्सप्लोर करो. ओके. सो आई गॉट एडमिशन इन टोरंटो फिल्म स्कूल इन कनाडा और वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की. और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मेरे जहन में ये था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगी तो अपने ब्रांड को और ज़्यादा मैच्योर करके और डिफरेंट शोज़ करूँगी थ्रू आउट द वर्ल्ड. अच्छा, तो आप बस स्टडीज़ के लिए वहाँ पर थी? बेसिकली थोड़ा सा वो सिटीजनशिप के लिए भी थे. अच्छा. और मेरे हस्बैंड की भी कैनेडियन सिटीजनशिप थी और मुझे भी लेनी थी, तो आई स्टेड देयर फॉर 4 इयर्स. ओके. तो फिर जब मुझे वो पासपोर्ट मिल गया आई केम बैक और फिर मैंने अपनी क्लोथिंग ब्रांड पे वर्किंग स्टार्ट कर दी. अच्छा. और फिर मैंने अपना वापस आके जो नई कलेक्शन लॉन्च की वो था फ्रॉम टोरंटो टू लाहौर. सो इट वॉज अ फ्यूजन कलेक्शन. उसमें लाहौर के भी इफेक्ट्स थे और टोरंटो की जो मेरी पूरा जर्नी था 4 ईयर. अच्छा. का जिस टाइम पे मैं कॉलेज जाती थी वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी और वो एक कलेक्शन बनाई और वो बहुत हिट गई और पूरा मैंने डिफरेंट मैगजीन्स में भी शूट हुई और उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. फिर तो फिर आपका ये पिवट टू दिस डीलरशिप ये कैसे हुआ? फिर ये हुआ कि जब मैं अपना ये काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड थे टोयोटा की डीलरशिप पे होते थे अपने भाई के साथ. ठीक है. अच्छा. जब हम वापस आए तो फिर सबका सेपरेट बिजनेस हो गया. मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो टोयोटा की डीलरशिप्स रन करते हैं और मेरे हस्बैंड, हमें ऑप्शन मिली कि हम हुंडई की तरफ मूव करें. ओके. तो फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा था कि वो पहले ऑब्वियसली भाइयों के साथ कर रहे थे, अब वो थोड़े से अकेले भी थे, तो मुझे भी था कि मैं उनको किसी ना किसी तरह सपोर्ट करूँ. उस टाइम उनकी डीलरशिप की कंस्ट्रक्शन हो रही थी मेन एयरपोर्ट रोड. ओके. लाहौर पे. तो मैं भी जाती थी कभी कभी कंस्ट्रक्शन को देखने. और उस टाइम फिर कोविड भी आ गया. जब कोविड आया तो मेरा काम थोड़ा सा स्लो हो गया. ऑब्वियसली वो फिर जो आपके वर्कर्स होते हैं, मेरा सारा काम तो डिपेंड कर रहा होता था कि मुझे जाना पड़ता था अपनी जहाँ पे मेरे सारे वो वर्कर्स बैठे होते थे उस प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता था डेली. और फिर बहुत से लोग बीमार भी हो गए. ऑब्वियसली वो एक एहसास था कि मार्केट भी ओपन नहीं होती थी हमें. और फिर उसमें ये था कि मेरा थोड़ा सा उसमें से जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ. और क्योंकि ऑब्वियसली वैसी सिचुएशन नहीं थी मार्केट की, ऑनलाइन में कर रही थी लेकिन वो बहुत कम होता गया क्योंकि वो पूरा एक लॉकडाउन हो चुका था. और बस थोड़े से बंदों के साथ हमारी दूसरे प्रोजेक्ट पे जो हुंडई एयरपोर्ट मोटर्स है उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी, तो उस पर मैं चली जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा घर बैठने वालों में से नहीं है. मुझे बहुत अच्छी बात है. काम करती रहूँ काम में. कोविड में भी जाके कंस्ट्रक्शन करवा रही होती थी. अच्छा. और मेरे हस्बैंड भी साथ होते थे. उस टाइम ये होता था कि जब मैं जाती थी तो हमारे हुंडई निशात के जो कुछ ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, जो डिफरेंट उनकी टीम होती थी, वो कंस्ट्रक्शन को देखने आ रही होती थी, डीलर डेवलपमेंट टीम ना. फिर उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मेरे हस्बैंड उस्मान को सजेस्ट किया कि मुझे भी इसमें आना चाहिए. एट दैट टाइम आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मुझे कोई भी
इसके गाड़ियों का नॉलेज नहीं था, क्योंकि आपके बैकग्राउंड जो फैशन की तरफ था और अकाउंटेंसी था, अकाउंटेंसी था और फैशन का शौक था। मैं बहुत ज्यादा उसमें हर वक्त उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं और फैशन। क्या चैलेंजेस आपको आए फिर वो जब एक तो वो कोविड की वजह से थोड़ा सा मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ, और फिर मैं जब कंस्ट्रक्शन पे थी और मैं जब होंडा निषाद की डिफरेंट ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करती थी और उसमें वो उनके हम सेल्स टीम को टारगेट दिए जाते थे और डिफरेंट व्हीकल्स लॉन्च हो रही थी उस टाइम, तो फिर मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया। तो फिर मैंने भी अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है। जब मैंने स्टार्ट किया अपने हस्बैंड के साथ डीलरशिप और साथ साथ मैं अपना क्लोथिंग काम भी कर रही थी, ये मैंने अभी तकरीबन 2 साल पहले वाइंड अप किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो गई हूँ इसमें डीलरशिप में, क्योंकि ये आपका पूरा 9 to 5 आपको उधर होना होता है, और फिर आई हैव 3 kids ऑल्सो, तो फिर वापस आके मुझे भी उनको भी देखना होता है, तो फिर मेरा मेन फोकस डीलरशिप हो गया। अच्छा, तो फिर ऐसी कौन सी आपकी स्ट्रेंथ थी जो कि आपने फैशन डिज़ाइन से सीखी और फिर आपने डीलरशिप में इम्प्लीमेंट की? बेसिकली जो मुझे बैकग्राउंड तो मेरा अकाउंट्स था, अकाउंट्स जो था वो मैं अपने क्लोथिंग ब्रांड के भी खुद देख रही थी और इधर भी आके जो है ना ये मैं खुद देख रही थी, और अकाउंट्स को मैंने देखना शुरू किया। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेल्स की तरफ भी आई। फिर हमने अपने जब डीलरशिप स्टार्ट की थी तो एट दैट टाइम वी हैड 7 employees ओनली, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस होती रही, डिफरेंट चैलेंजेस भी हम फेस करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करते रहे। अच्छा, तो एक्चुअली ये डीलरशिप है क्या? बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट बाय होंडा निषाद मोटर्स, ये मियां मंशा का प्रोजेक्ट है। होंडाई की व्हीकल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, और लाहौर में 3 to 4 डीलरशिप्स हैं, और हमारी डीलरशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी डीलरशिप। अच्छा, और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है मेन एयरपोर्ट रोड लाहौर पे, नेक्स्ट टू मेट्रो कैश एंड कैरी, मेन एयरपोर्ट पे है जी। अच्छा, जो आपके पास वर्कर्स काम करते हैं तो फिर आपके लिए उनके लिए एक हेल्दी वर्क एनवायरमेंट के लिए क्या करते हैं? उनके हेल्दी वर्क एनवायरमेंट के लिए बेसिकली तो कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करते रहते हैं, कभी उनके लिए हम डिफरेंट क्लब्स बुक करा के, और जब सेल्स डेलीगेशंस जाती हैं तो फिर जब आप जब भेजते हैं सेल्स पर्सन को कि ये डीलरशिप करवा कर आओ, ये सी बेसिकली ऐसे होता है कि हम अपनी सेल्स टीम को टारगेट देते हैं, उनको डिफरेंट एरियाज बताए जाते हैं कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को हिट किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया को हिट किया जाता है, क्योंकि हमारी जो व्हीकल है वो सिर्फ कमर्शियल के अलावा दूसरी व्हीकल्स भी हैं, तो कमर्शियल कैटेगरी के लिए एक टीम है जो कमर्शियल एरिया को टारगेट करती है, और दूसरी है जैसा इसको आप कह लें कि हर इनकम ग्रुप को कैटर करती है जो हमारी व्हीकल्स हैं जी। अच्छा, तो आपके जो है अपकमिंग 5 years में क्या goals हैं according to dealership? Dealership के overall उसको और बेहतर बनाना है, because it's still a learning process. आप with the passage of time और experience करते हैं और उसको बेहतरीन बनाना है, और तो goal तो ये है कि इस तरह की 2 dealerships और बना लूँ। चलें, इंशाल्लाह जरूर होगा। आप घर और फिर ये office को कैसे maintain करती हैं? बच्चों को भी गाड़ियों का शौक होगा? हाँ जी, बच्चों का तो है, बच्चों को है। घर को ये है कि सुबह बच्चों को जब उनको रेडी करके स्कूल भेज दिया, 2 को, एक छोटी है उसको मैं अपनी अम्मी की तरफ, मेरी अम्मी बड़ी सपोर्टिव है, शी लिव्स नियर बाय माय डीलरशिप, तो मैं वहाँ पर उसको ड्रॉप कर देती हूँ, मेरी छोटी 2 years की है। अच्छा, तो मैं उसको ड्रॉप कर देती हूँ, अब ऑफिस की वापसी में उसको पिक कर लेती हूँ, फिर घर आके बच्चों को थोड़ा सा देख लेती हूँ। अच्छा, आपके लिहाज से वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? ऐसी लड़कियाँ जो कि डीलरशिप में आना चाहती हैं, तो आपके पास ऐसी क्या एडवाइस है उनके लिए कि वो आए और वो कैसे अपने आप को फ्लरिश कर सकती हैं एक मेल डोमिनेंट ऐसी ऑक्यूपेशन? क्योंकि जब मैं भी शुरू में आई थी मुझे बहुत अजीब लगा था कि मैं एक अकेली डायरेक्टर फीमेल बैठी होती थी अमंग ऑल मेल डायरेक्टर्स जितने भी पाकिस्तान के डीलर्स हैं, लेकिन नाउ आई एम यूज्ड टू इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 5 to 6 लड़कियां भी हैं जिनको मैं वक्त सपोर्ट करती हूँ उनके, और उनको मेरी तरफ से हर तरह से सपोर्ट होती है। एज अ वुमेन आई ऑलवेज सपोर्ट देम, और बाकी जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको आना चाहिए, मैं क्योंकि मैं उस इस हक में नहीं हूँ कि आप शादी करा के बस बच्चे संभालने के लिए घर बैठ जाओ, डिफरेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाओ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे मज़ा आता है एक्सप्लोर करने का, डिफरेंट वेंचर्स को स्टार्ट करने का, और यही बस बाकी लड़कियों के लिए भी यही सजेशन है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो दिस वाज इट विद मिस आमना उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।